ये जो देख रहे हैं ये इंडिया गेट का टनल है और काफी खूबसूरत काफी प्यारा बना हुआ है और ये न्यू बना हुआ है। सब भाई लोग खड़े हैं फोटो खींच रहे हैं। देखो फ्लाइट उड़ने वाली है थोड़ी देर में। उड़ गया, इतना दूर जाके उड़ा, देख सकते हैं आप लोग। एक और आ रहा है उड़ने के लिए भाई। आना सबको इसी रूम देते हैं, जितने यहाँ से आएंगे एक नंबर पे, जितने भी आएंगे सबको यहाँ आना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं टर्मिनल वन पे और भाई लोग खड़े थे, वीडियो बना रहे थे हमसे। हम भी इनके साथ लग जाते हैं, थोड़ा वीडियो स्टूडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाज़ वगैरह खड़ी हुई है, जब उड़ेगी तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। एक बार दिखा चुके, फिर अभी एक लाइन में लगी हुई है उड़ने के लिए। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय, तो ये अराइवल है, ऊपर डिपार्चर है, यहाँ से लोग जाते हैं और नीचे से आते हैं। तो चलते हैं हम कस्टमर को पिकअप करने के लिए। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, देख सकते हैं सारा बंद कर रखा है। A few moments later. मैं आ गया हूँ पराठे की दुकान पे और वल्लभ जी बोली है कि पराठा ले आना, काफी आइटम ले लिया हूँ मैंने मम्मी के लिए, भूखी है। अब ये लगा रहे पराठा, देख सकते हैं आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा। एक बार बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली पराठा और इधर मिक्स पराठा, पनीर पराठा सब लगा हुआ। चिकन का भी पराठा है, डबल अंडे का पराठा है, चिकन का भी पराठा है भैया, क्या बात है। तो ये हमारा पराठा लग रहा है, हमारा आलू का है, प्याज का है और अंडे का। ये गोभी है, ऐसा लग रहा है चीज़ है, और इधर प्याज है, आलू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं लेके आया हूँ ऋषभ के लिए टोपी। टोपी थैंक यू नहीं बोले पापा को, थैंक यू तो बोल दो यार। और जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे कि आज हमने मम्मी को खाना देने से मना कर दिया, तो देखिए आज क्या आया आइटम, बाहर का आइटम क्या है ये देखिए, बहुत आइटम। ये देखिए ये अदरक है, ये क्या दिखा रहे हैं। फोन किया कि आइटम ले आना, मम्मी को आइटम खिलाते हैं, तो मैं बोली कि अपने मनपसंद से लेते आना, तो मैं अपने मनपसंद से लेके आया हूँ। हम लोग जो हमेशा खाते हैं, तो मम्मी को बोले कि आज मम्मी को खिला देते हैं, देते हैं। और वन्ना जी लगा रहे, ये क्या जी डब्बा डब्बा लगा रहे, आज मम्मी को खिला रहे दिल्ली का नया आइटम। मम्मी के लिए तो नया ही है ये सब, ये पनीर है, पनीर मोमोस है और ये आलू का पराठा। प्याज का है, आलू का प्याज का है, प्याज का है। और मम्मी के लिए बर्गर, ये देख सकते हैं बर्गर। और मम्मी खाएगी, पूछते हैं कैसा लग रहा है। चटनिया नहीं दी मम्मी को ये वाला, दो पहले तभी तो अच्छा लगेगा, मोमोज इससे अच्छा लगेगा, चटकार रहता है। इतना आइटम ला दिए थे कि सबका पेट भर गया और बच भी गया उसमें, और यही चीज नहीं लाते तो बोलते मेरा पेट नहीं भरा, मेरा पेट नहीं भरा है। अब खा के देखो कैसा लगा। मुझे तो चीज पीज वाला अच्छा नहीं लगा, फालतू में ले आए। और मैं तो वही नहीं मोना चावल खाई हूँ और दो ठो मोमोज खाए बस, छोड़ खाया कैसा लगा। बर्गर आधा ही खाई मम्मी, परेठा खाई है, तो मम्मी का भी पेट भरा नहीं मम्मी, पानी। चलो एक गिलास दूध दे देना मम्मी का, पेट भर जाएगा, जो थोड़ा बहुत खाली होगा हमने भी खा लिया, सबने खा लिया है। खाना वाना सबको खिलाने वाला, बर्तन की सफाई कर रही है, पानी गर्म से भरा, गरम कर लो तब बर्तन। क्या गरम करने में, बाल्टी में लगा के गरम करो, बाल्टी में लेके पानी।
फायदा हो गया इधर दूध मम्मी के लिए भी एक्स्ट्रा लाते हैं दूध और हम लोग भी पी लेते हैं। हम नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते? कोई मना हमें हम पीते हमको गैस बन जाता है दूध हमको अच्छा ही नहीं लगता पीना। दूध पी के थोड़ा देर टहलना चाहिए जब जब पिए तब तक दूसरे दिन बीमार पड़े हैं। गैस बन जाता है ना दूध पीने से थोड़ा देर टहलना चाहिए। दूध का सामान खाएंगे नहीं अगर दूध पापड़े दूसरे के दिन जैसे लग रहा पेट फट के निकल। अब इस तरह बिछाए हमारे पूरा कर ले तरीका बिछाए बेड में सोलो कौन कहता तुम्हें नीचे सोने के लिए? नहीं हम फैल के सोएंगे हमें। इतना बड़ा बेड है फैमिली पता है सब लोग आ जाए लेकिन ये बोलते हैं हम फैल के सोएंगे नीचे सोएंगे तो इसलिए नीचे भी छा के सोते हैं ठंडी में पता नहीं कैसे सोते हैं। हम तो एक दिन सो गए तो मेरा पूरा ना एकदम शरीर दर्द करने लगा तब से मैं सोता ही नहीं नीचे। इनको बोलता हूँ तो कहते नहीं हम नीचे ही सोएंगे तो इनके साथ साथ सोनाक्षी भी सोती है तो चलिए उधर काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। सोनाक्षी बिस्तर लगा लो। The next morning. हेलो फैमिली सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। आज दिन हो गया है शनिवार का ऋषभ बेटा। हेलो बोलो सबको राधे राधे श्री शिवाय। आज बोला अच्छा से। हाँ ये क्या खा रहे हो? अरे 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 चूहा का जैसा देखो। क्या कर रहे हो ये? कुछ खा रहे हो? क्या खा रहे हो? ओए होए बादाम खा रहे हो? नहीं। हाँ झूठ मत बोलो। झूठ बोल रहे हैं। हाँ झूठ बोल रहे हैं। आज बोल रहा नहीं तो जल्दी बोलता नहीं है ये ना। आज सैटरडे है तो ऋषभ आज नहीं गया स्कूल इसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तबीयत ठीक नहीं था तो इनकी मम्मी बोली थोड़ा तबीयत नहीं सही है जाने दो मत जाने दो। मैं कल आया था बर्गर उधर तो थोड़ा बच गया है चीज वगैरह अच्छा लग रहा है। पसंद तो अलग है दे दो सुना अच्छी खाएगी ना पराठा अलग मम्मी अलग खाएंगे तो दे दो किसी टिफिन उबिन में दे दो। तो हम चलते हैं ड्यूटी के लिए और कह रहे हैं कि रात को मुकनी का लिट्टी बनाएंगे यहाँ मिलेगा चक्की है ना उसके पास सारा मिलता है। ये दीप मेडिकल है ना उसके पीछे चक्की है उसके पास चक्की उसका सब कुछ मिल जाएगा। भूजा भूजा ना हमें नहीं पता लेकिन मिल जाएगा जो तो चलते हम ड्यूटी पे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। A few moments later. आजकल दो तीन दिन से मैं जब निकलता हूँ तो कोई ना कोई हमारी YouTube फैमिली यानी जो हमारे ब्लॉग देखते हैं वीडियो देखते हैं कोई ना कोई मिल जाता है। एक दिन हमारे कार में बैठ गए नोएडा जाने के लिए तो लड़की थी जैसे कि हमारी सिस्टर ही समझ लीजिए जो हमारी वीडियो देखती हैं उन्होंने दो तीन बार हमारे चेहरे को देखा कह रहे भैया आप वही उन्होंने जो वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे। हम बोला हाँ जी। कह रहे वंदना जी आपकी वाइफ है ना? हम कहा हाँ। कह रहे बहुत अच्छा वीडियो बनाते बहुत ही अच्छा लगता है और जब ऑफिस में जाते हैं और टाइम मिलता है छुट्टी का तो हम तभी आपका वीडियो देखते हैं और उस दिन उत्तम नगर में था तो वो रोड क्रॉस कर रही थी वो भी मुझे पहचान गई और काफ़ी ध्यान से देख रही थी मुझे लगा कि पहचान रही हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कमेंट भी किया कि भैया मैंने आज आपको उत्तम नगर में देखा। मैंने बोला कि हाँ जी आपको मैंने देखा था आप रोड क्रॉस कर रही थी मुझे लगा। और फिर उस दिन मैं नई दिल्ली स्टेशन के पास वहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए खड़ा था तो वहाँ भी उन्होंने देख लिया कह रहे भैया आप वंदना जी के हस्बैंड हो ना? हम कहे हाँ जी। कह रहे हाँ आपका वीडियो देखते हैं मैं पहचान गई आपको। थैंक यू जी। तो यही है कि कोई ना कोई मिल जा रहा बहुत अच्छी बात है बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारा कोई वीडियो देखता है और मिल जाता है बोलता है कि भैया आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो बहुत ही खुशी होती है। जैसे आप लोगों को महसूस होता है कि वंदना जी या हम कहीं मिल जाएं तो हमारी ड्यूटी आ गई है मिलते हैं थोड़ी देर में।